సంక్షిప్తార్థ సమాహార న్యూస్ రెండు చూద్దాం. రంజాన్ పండుగను శాంతియుత వాతావరణంలో జరుపుకోవాలని నిర్మల్ జిల్లా భైంసా పట్టణంలోని ఏఎస్పీ కార్యాలయంలో పోలీసులు, ముస్లిం మత పెద్దలు, నాయకులు పీస్ కమిటీ సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా పట్టణ ఏఎస్పీ కాంతిలాల్ సుభాష్ పాటిల్ మాట్లాడారు. శాంతి భద్రతలకు విఘాతం కలగకుండా భక్తి శ్రద్ధలతో సోదరభావంతో పండుగను జరుపుకోవాలన్నారు. శాంతి భద్రతలకు విఘాతం కలిగించిన వారిపైన చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు. కార్యక్రమంలో టౌన్ సీఐ రాజారెడ్డి, ఎస్ఐలు తదితరులు పాల్గొన్నారు. दो साल से तीन साल से कितनी गर्मी हम सब परेशान है कि हमारे जो दीवार होते तो गर्बेज के लिए आ जाने के लिए कुछ नहीं जाने सारे दीवार होते उत्तार के टाइम पे सुबह सवारी ये सब बताते हैं जिसका कोई हंगामा नहीं होता. हमारी इबादत में हम लोग होते कितना थे कि हमारे मुसलमान दोस्तों को आज तक भविष्य में हम जब से पैदा हुए या रमजान बकरी में कोई भी मसला नहीं आया. अब उसको बाहर कर दे तो ताजी भी थोड़ा हम फिर भी हम देखते हैं मदद हमारे तरफ से करेंगे इन शाला. आप खाली काफिले करिए कि 11:30 बजे 12 बजे वहाँ की ऑटो लगा के वहाँ की कार्य खत्म होगी 11:30 बजे आया था 12 बजे 12:30 का तो गवर्नमेंट का टाइम है और एक आधा एक घंटा बढ़ा कर दे दिए तो पब्लिक उठ रही होती कि इस तरह करके तो खाते पीते टाइम से गलता नहीं होती टाइम से 12:00 का एक भी बज जाता हम घर में जाते चार बजे वो खेल करना पड़ता है. अरे उसका टाइम देखो मेहरबान होगी रमजान मुबारक के इंतजाम के साथ से मीटिंग रखी जाए साथ ही हमारे नए सरकार का ये कई यहाँ पर है और हमारे कोई माह दिन और खासकर वो मस्जिद शुरू हो जाए सबसे पहले जो फीस मीटिंग थी मीटिंग को अगर बोले पहले ये गलत है और उसकी तस्वीर हमारे शायद साहब कर दिए कि ये हुकूमत की तरफ से पुलिस को इंस्ट्रक्शन मिलता है कि हर त्यौहार में हर एक मजहब वालों को बात उनसे मशवरा करें इंतजाम के ताल्लुक से इसकी वजह से ये फीस मीटिंग नहीं है. रमज़ान के इंतजाम के ताल्लुक से कि क्या आपको जरूरत है क्या पुलिस की मदद की जरूरत है उस ताल्लुक से रखा जाता है. ढाई साल से भी जो इंतजाम थे आपके पुलिस के तरफ से सिर्फ इतना ही है कि साहब 4 बजे से लेके जो हमारी इफ्तार का जो खरीदी होती वो 6:30 बजे तक होता था लेकिन उसको मद्देनज़र रखते हुए पहले तो हम पूरे रोडा जाम होते थे पर हम लोग का वो कोरोना के बाद से जो है ना पूरे इंतजाम हम लोग इधर हमारे मुस्लिम एरिया में हम लोग कर लिए. न तो वो हमारा कपड़ा लाइन से लेकर यहाँ तक पूरा रोड जाम हो जाता था हर साल 5 साल के नीचे पर उसको अब बिल्कुल क्लोज करने की बजाय हम लोग पूरे इंतजाम बंडिया वगैरह फ्रूट के हम लोग इधर कर ले रहे हैं. तो वो भी आप लोगों के सामने मैं ये बात रख रहा हूँ कि हमारे मुस्लिम एरिया जहाँ भी हैं उधर पंजेशाह के पास सिर्फ मगरिब के टाइम पे मेरे ख्याल से पार्किंग वगैरह का है था वो जो सड़क साहब है यहाँ पे मस्जिद के वो भी थोड़ा आप लोग बता दो कि पार्किंग वगैरह कहाँ से कहाँ तक होती तो वो चीज़ भी थोड़ा एक देख लो पंजेशाह के पास साहब सिर्फ. और दूसरी बात जो हमारे फैजुल्ला खान साहब बोले कैमरे के ताल्लुक से और सबसे पहले तो ये है कि अल्लाह का एहसान है कि वैसे में हर चीज़ से बल्दिया से होने दो और करण का होने दो हर चीज़ से सहूलत है सबको दी जा रही है. और हम 2 दिन से हमारे काउंसलर जो है ना जहाँ जहाँ हमारे बंडिया वगैरह लगते हैं फ्रूट के वहाँ पर हम लोग इंतजाम रात में 12-2 बजे तक हमारे माजी साहब फैजुल्ला खान साहब काउंसलर्स वगैरह मिल के पूरा रोड्स वगैरह सब साफ कर दिए. तो उसके जो इंतजाम हमको करना है हर साल की तरह इस साल भी हम पूरी तरीके से हम रेडी हैं. यहाँ पर सिर्फ पुलिस को इतला देना है कि हम ये जगह पे ये इंतजाम हम लोग करते हैं बोलकर. और वैसे तो हमारे एचपी साहब का ये 3रा साल है शायद मेरे ख्याल से 2रा है तो माफ़ी चाहता हूँ जो शुरू जो म्यूज गाइड जो साहब की तरफ से हुई थी उसको बहुत जल्दी एसपी साहब दूर कर लिए और अब इंशाल्लाह पब्लिक में बहुत अच्छे मकबूल भी हो रहे हैं. कोई ऐसी शिकायत पब्लिक से भी नहीं है और पुलिस डिपार्टमेंट से भी नहीं है और इंशाल्लाह रहेंगी भी नहीं क्योंकि हर चीज़ पर रिस्पांस बहुत जल्दी सरकार साहब होने दो या एसपी साहब होने दो. मैडम भी परसों बुला के वही बोलेंगे आधी रात को कभी भी आप ड्राइवर साहब फ़ोन कीजिए
मैं रिस्पॉन्स देती वैसा कुछ भी नहीं है अमन के ताल्लुक से। तो बात यह है कि रमज़ान ताल्लुक से जो जो भी चीज़ें उलमाए दीन वगैरह बोले वही है साहब हमारे को। सबसे पहले तो बहुत ही खुशहाल और बहुत ही अच्छा महीना आने वाला है। रमज़ान का महीना है कि बहुत ही पवित्र रहता है, सब लोग पूरा अपना दिल दिमाग दे के पूरा अपना भक्ति करते हैं, डिवोशन करते हैं, मस्जिद में जाके कुरान पढ़ते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें अपने जहन में डालते हैं। तो एक बहुत ही पवित्र और एक अच्छा महीना रहता है रमज़ान। मैंने लास्ट ईयर ऑब्जर्व किया, एकदम सब लोग एकदम डिसिप्लिन रह रहे थे, अपना अपना धर्म का जो भी अच्छी अच्छी बातें हैं वो अच्छी बातें कर रहे थे। बहुत ही पवित्र और एक अच्छा लगा मुझे भी लास्ट ईयर भी। इस साल भी पीसफुल तो रहता ही है महीना, उसमें कुछ डाउट ही नहीं। तो ये मीटिंग का पीसफुल का नाम भी ज़रूरत नहीं है सर, जैसे कि आप बोले। एक्चुअली ये मीटिंग कोऑर्डिनेशन के लिए रखा गया था कि क्या क्या प्रॉब्लम रहते हैं, वो पुलिस की तरफ से क्या क्या हेल्प हो सकती रमज़ान के महीने में। ट्रैफिक का बहुत प्रॉब्लम आता अभी टाइमिंग का बोले, उसके बाद और भी कोई कैमरेज के प्रॉब्लम बोले। ये मीटिंग अभी से दे रहे लास्ट कब पिछले जब से पुलिस डिपार्टमेंट है भैंसा में तब से सहयोग है रमज़ान के महीने में, आगे भी रहता रहेगा। और जो भी आपके इश्यूज़ है वो सब हम लोग मान के आगे चलेंगे और आने वाले रमज़ान के महीने के लिए पुलिस की तरफ से फुल सपोर्ट रहेगा सबका। यहाँ पर आने के लिए शुक्रिया यहाँ पर पुलिस, ताकि ट्रैफिक जाम नहीं हो जाए, कोई भी कुछ अगर करने का ट्राई किया तो पुलिस उसको इमिडिएटली पकड़ ले, इसीलिए पुलिस का बंदोबस्त हमेशा इवनिंग से लेकर रात तक रहेगा। और ट्रैफिक चालान के बारे में भी थोड़ा सा हम पूरा लूज कर देंगे सिटी में, बट ट्रैफिक चालान के रिगार्डिंग मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, आपने जो बोला है हमको तो मंजूर है, लेकिन ट्रैफिक चालान हम आपकी सेफ्टी के लिए लगाते, वो लगाने में हमको कोई मज़ा नहीं आता, उल्टा हमारा काम बढ़ता उससे। और जो भी रियलाइजेशन जो भी अमाउंट होता वो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना को ही जाता, पुलिस डिपार्टमेंट को कुछ नहीं रहता, वो हम जो सिटीजन्स रहते पूरे तेलंगाना के उनके हिफाजत के लिए सेफ्टी के लिए वो चालान लगाते हैं, ताकि हेलमेट नहीं पहने। बहुत इंसिडेंट्स देखे होंगे, नॉर्मली हेलमेट नहीं पहनता थोड़ा गाड़ी स्लिप हो जाता है, सर पे पटक जाता है रोड पे, तुरंत मर जाता है, इतना इजी अपना ज़िंदगी तो 2-4-5 हज़ार से तो बहुत कीमती रहता है इनकी। तो ट्रैफिक चालान में वही बोलना चाहूँगा, सिटी में तो नहीं कर लेंगे हम, कोई इवनिंग में भी नहीं करेंगे, बट आप सब बच्चों को छोटे लोगों को छोटे बच्चों को 18 साल से नीचे उनको ड्राइविंग मत करने दीजिए, क्योंकि एक्सीडेंट में कोई जान जाता है तो बहुत बुरा लगता है कि मतलब फोकट में जान दे दी भगवान को, ऐसा लगता है। तो आप पूरे मुस्लिम कम्युनिटी के एल्डर्स हो, सबको बच्चों को सबसे अच्छे समझाइए। स्टंट वगैरह तो यहाँ पर नहीं करते जैसे हैदराबाद में होता है, वो एक अच्छी बात है कि यहाँ पर उस स्टंट का दौर नहीं आया। और बाकी कोई भी चीज़ हो रमज़ान के महीने में हुई तो आप बेशक आके मिल भी सकते, क्या मोबाइल के थ्रू भी बता सकते फ़ोन बंद करके। तो सबको पहले तो रमज़ान आने वाले महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं, सब अच्छे हेल्दी रहे, अपना सेहत संभालें, अच्छे से मस्जिद में जाके नमाज पढ़िए, कुरान पढ़िए। और रही बात बाकी दूसरी पुलिस डिपार्टमेंट की, तो पूरा पुलिस डिपार्टमेंट हैदराबाद में तो आप सबको पता ही होगा कि इफ्तार पार्टी पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से भी ऑर्गेनाइज़ की जाती है, तो पुलिस की तरफ से पूरा दिल से तो साफ तरीके से पूरा सपोर्ट रहता है रमज़ान के महीने में। पुलिस हैदराबाद में भी पूरा बड़ा एक प्रोग्राम रखती है वो इफ्तार में, जिसमें सब लोग बड़े हैदराबाद के लोग आते हैं, पूरे स्टेट से आते हैं, हैदराबाद के नहीं रहते। तो इसकी वजह से पुलिस का हमेशा इफ्तार में या फिर रमज़ान में फुल सपोर्ट रहता। और दूसरा जो भी छोटा मोटा चीज़ हो गया, आपने बताया टाइमिंग का, आप बोले 12:30 बजे तक, 12:30 बजे तक रख लेते कोई प्रॉब्लम नहीं, धीरे धीरे वो हो जाता। तो 12:30 बजे तक आराम से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हम जहाँ पर भी आपको बंदोबस्त लगेगा जहाँ पर भी आप बोलोगे उसको मार लगता। वो एक ही रिक्वेस्ट है और पेरेंट्स को ये मौके से रिक्वेस्ट कर रहे माइनर बच्चों को गाड़ी नहीं देना, वही एक ही हमारा पुलिस का तरफ से गुजारिश है। उसके अलावा पुलिस का तरफ से ये एक महीने आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम तो नहीं होगा। इसमें आप लोग सुबह सहर से लेके इफ्तार तक वो रोज़ा रहते, इसमें आप लोग वो इफ्तार तक आप लोग निंगन भी नहीं लेते, 5 मरतबा नमाज भी चलेगा, आप लोगों का जो भी रहता एक महीना तक सच और डिवोशनल के साथ ये महीने आप लोग एक कठिन दीक्षा करते। इसमें बहुत सारा बैड हैबिट्स रहे वालों भी ये एक महीने पूरा छोड़ के
वो अल्लाह का नाम पे वो पूरा रोज़ा रहेगा। इसके लिए 24/7 पुलिस आपका साथ रहेगा। अगर इफ्तार या सहर का टाइम पे, अगर फ्राइडे स्पेशल प्रेयर्स का टाइम पे भी आप लोगों को कुछ भी पार्किंग प्रॉब्लम है, अगर आने जाने में कुछ दिक्कत है मस्जिद के पास है, तो हमारा जैन पे आप लोग बोले तो ज़रूर उसके लिए सेपरेट फोर्स लगा के वो प्रॉब्लम हम सॉल्व करने के लिए देखते। अगर आप लोग अभी वाइस चेयरमैन साहब, फैजुल्ला साहब और मुफ्ती साहब और मौलाना साहब सब लोग लीडर्स रिक्वेस्ट करे थे वो टाइम के बारे में साहब एसपी मैडम से बात करें, वो टाइमिंग क्या है साहब ऐलान करता वो कब तक दे सकते। और दो तीन बात बोले थे वो ट्रिपल ड्राइविंग बोले तो ठीक है, ड्राइविंग है सब वालों को आप लोग दे दो, एक महीने हम भी थोड़ा बहुत नज़रअंदाज करते, मगर छोटे बच्चों को गाड़ी मत देना, वो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से ये एक ही रिक्वेस्ट है।